हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉ विद विशाल। और आज मैं 20 ऐसे इरेजर्स का रिव्यू करने वाला हूं जो कि आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं या अपने लोकल स्टोर से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज इस प्रॉब्लम को एकदम जड़ से खत्म करने वाले हैं हम लोग कि कौन सा इरेजर्स किस चीज के लिए अच्छा रहेगा हमारे यूज के लिए। और पूरा मतलब हर चीज का निचोड़ मैं इस रिव्यू में निकालने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये है वो 20 इरेजर्स जो आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये सारे ब्लॉक इरेजर्स हैं जिसमें ये और ये मतलब मेरे से अननोन थे, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था। और मुझे पता नहीं था फ्रेंड्स ब्लैक इरेजर भी आते हैं, तो ये दोनों ब्लैक इरेजर्स हैं, इन्हें भी देखेंगे। और ये तीन इंक इरेजर्स हैं और बाकी प्लास्टिक इरेजर्स हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करते हैं। ये एक्सरे मशीन जो है मैंने बना ली है, और ये मैं ब्रांड मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने पेंसिल का यूज़ किया है और डिफरेंट ग्रेड में किया है, डार्क टू लाइट। और इंक में मैंने बॉल पेन यूज़ किया है और ये माइक्रॉन पेन यूज़ किया है। कलर पेंसिल यूज़ की है, इसमें भी मैंने डिफरेंट मतलब ग्रेड कर दिया है, लाइट टू डार्क। और ये लास्ट में चाकोल है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटेगा फ्रेंड्स की। इसका एक स्ट्रैंड ऐसे करके निकला है और फैबर कैसल की तरह ये गंदगी नहीं फैला रहा है, सबसे अच्छी चीज है। वाह, ये तो बहुत सही है, मतलब चारकोल को गजब से मिटाया इसने बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे सबसे अच्छी चीज यही लगी फ्रेंड्स इसकी कि ये गंदगी बहुत ही कम फैलाता है। तो अब यूज करने वाले हैं चाइनीज। और फ्रेंड्स, ये है प्लास्टिक इरेजर जो कि चाइनीज है। अब चाइनीज चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं फ्रेंड्स कैसी परफॉर्मेंस रहती है इसकी। और इसकी फील देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी मतलब अलग टाइप का है, सॉफ्ट भी नहीं बोल सकता मैं, हार्ड भी नहीं बोल सकता, लेकिन काफ़ी अलग सा है, एकदम रबर सी फीलिंग आ रही है। और ये पूरा चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है सर, मुझे इससे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, क्या बात है, मतलब इसे कहते हैं फ्रेंड्स मतलब पहले से जज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को, बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए सच में। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चाइनीज इरेजर इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, गजब का परफॉर्म किया। लेकिन ये प्रॉब्लम है। अगर आपने इसे मतलब कहीं आपने माइक्रॉन यूज़ किया है और उसके साथ पेंसिल यूज़ की है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत कर सकता है ये, वहाँ माइक्रॉन को भी उड़ा देगा ये। आपसे कहीं गलती हो गई हो, माइक्रॉन से लिख रहे हैं, तब बहुत अच्छी चीज़ है। और काफ़ी अच्छे से इरेज किया है फ्रेंड्स इसने, बहुत बढ़िया इरेज किया है। और इसने प्रिज्मा कलर को भी काफ़ी अच्छे से सफाई से इरेज किया है, बहुत ही बढ़िया। और चारकोल को भी काफी अच्छे से इरेज किया है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया से इरेज किया है। मतलब ये तो देख के मैं सच में सरप्राइज हो गया, मतलब सबसे कम उम्मीद मुझे इसी इरेजर से थी और इसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। इसीलिए हमेशा ब्रांड्स पे नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। अब स्टैडलर। और फ्रेंड्स, ये भी स्टैडलर का रेजोप्लास्ट है, एग्जैक्टली वैसे ही इस पर भी लोगोज बने हुए हैं। कि बारी है स्टैडलर का, देखते हैं। नहीं फ्रेंड्स, जो चाइनीज इरेजर था उसको यूज करने में मुझे काफी अच्छी फील आ रही थी, और ये स्टैडलर थोड़ा सा ज्यादा मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, उसमें थोड़े कम एफर्ट लगाने पड़ रहे थे। और इसने भी इरेज कर दिया है प्रिज्मा कलर को उसी के बराबर, बट चाइनीज इरेजर 5 रुपये सस्ता है, तो मैं मतलब उसकी तरफ थोड़ा सा टिल्टेड सा हो गया हूँ। देखिए, ये जो स्टैडलर है, स्टैडलर ने जो इरेज किया यहाँ पे स्मज हो गया है, उतना ज्यादा कुछ ऐसा स्मज नहीं हुआ था उसमें। और फ्रेंड्स, चारकोल आप देख सकते हैं, चारकोल उसने अच्छा इरेज किया था चाइनीज इरेजर में, और 5 रुपये सस्ता है, तो फ्रेंड्स 5 रुपये सस्ता मैं उसमें ही जाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा भी है साइज में, इससे काफ़ी बड़ा है। और 10 रुपीज़ में आपको इजिली मिल जाता है ग्रेट वॉल प्लास्टिक इरेजर।
और फ्रेंड्स ये मैंने स्टोर से उठाया है सिर्फ जर्मनी देख के, क्योंकि जर्मनी पे मुझे पूरा भरोसा होता है कि जर्मनी की मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, तो इसलिए भरोसे में उठाया फ्रेंड्स, देखते हैं। और हल्का हार्ड है ये, सॉफ्ट नहीं है उतना, तो इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं फ्रेंड्स। मुझे मतलब मिटाते समय काफ़ी अच्छी फील आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलाएगा। काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैला रहा है फ्रेंड्स, ये उसी की तरीके से फैला रहा है जैसे फैबर कैसल ने फैलाई थी, और परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं है, अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं लगी। चलिए फ्रेंड्स फैबर कैसल देखते हैं। और इसके लिए इंक के लिए अलग से है, तो मैं वो यूज करूंगा। तो इंक के लिए जो है वो अलग से ही था, और बहुत ही मतलब बुरी तरीके से, मतलब बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है, मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ही बकवास है फ्रेंड्स, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जितना महंगा आप लेंगे उतना अच्छा होगा, बट ये तो उल्टा ही निकल रहा है। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स ये रिव्यू किया है आप लोगों के लिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन कितना बड़ा चोर है। मारे चोर नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा है कि कभी गलती हो जाती है कंपनी से भी इरेजर का प्राइस डिसाइड करने में। और फ्रेंड्स ये है स्टैडलर का रेजो प्लास्ट, जो कि ब्लैक कलर का है, जैसा स्टैडलर में सारे इरेजर्स में ऐसे लोगो बने रहते हैं, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ये मतलब थोड़ा सा हार्ड है बाकी इरेजर्स के कंपैरेटिवली, परफॉर्मेंस देखते हैं फ्रेंड्स इसकी कैसी रहती है। फ्रेंड्स ये कुछ मेजर आपसे गलती हो गई है तो वो इरेज करने के काम आते हैं, आप देख सकते हैं इसने काफी अच्छे से इरेज कर दिया है, काफी अच्छे से प्रिज्मा कलर को इरेज किया है। और चारकोल भी इरेज हो गया है फ्रेंड्स। अगर मुझे बोला जाए तो मैं तो सच में मतलब ये जो है ग्रेट वॉल प्लास्टिक, ये बेस्ट मुझे अभी तक लगा है, और अभी दो और बचे हुए हैं हमारे पास। और फ्रेंड्स ये है स्टैडलर का मार्स प्लास्टिक, काफ़ी अच्छा लोगो बना हुआ है इसके ऊपर, और स्टैडलर का ही लोगो बना हुआ है। और फ्रेंड्स ये काफ़ी महंगा है, जितने भी ब्लॉक इरेजर्स हैं सबसे महंगा है ये, तो चलिए इसकी क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी फील काफ़ी अच्छी आती है फ्रेंड्स, ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये साइड इंक के लिए है और ये साइड पेंसिल के लिए है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मतलब बहुत ही कम एफर्ट लगाने पे ये इरेज हो जा रहा है, काफ़ी कम एफर्ट लगाने पे इरेज हो रहा है फ्रेंड्स। और इसका जो इंक है वो कुछ ऐसे इंक वाला बोल देते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ खास इंक इरेज कर पाते हैं ये इरेजर्स, मतलब कुछ हद तक तो इरेज कर दिया है। और ये चारकोल को भी अच्छे से इरेज कर रहा है, बट फ्रेंड्स मैं बोलूंगा काफी ज्यादा प्राइस है इसका, और प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और फ्रेंड्स ये है मैप्ड टेक्निक, तो ये है फ्रेंड्स मैप्ड टेक्निक डुओ, जो कि मेड इन चाइना लिखा हुआ है, और काफी हार्ड है ये, और इसका इंक ये वाला पार्ट इंक के लिए है और ये वाला पेंसिल के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट उतना अच्छा नहीं किया। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही
ज्यादा प्राइस है और परफॉर्मेंस एकदम बकवास। चलिए फ्रेंड्स अभी मैप स्टिक देख लेते हैं, मैकेनिकल इरेजर स्टेडलर और मैप्ड के, जो कि मैं यूज करता हूँ, काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो आज इसे भी टेस्ट करके देखेंगे। ये मैं परचेज करके लाया हूँ, तो ये मैप्ड का है और मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, मैंने इसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। और मैं इससे ऐसे ही इरेज करूंगा जिससे पता चले ये कैसी मतलब परफॉर्मेंस देता है। काफी फ्लमजी है ये, मतलब ऐसे मतलब बार बार आपको वो करना पड़ता है, काफी ज्यादा हिलता है। प्रिज्मा कलर को तो अच्छे से इरेज कर दिया है और अभी मैं चारकोल इरेज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके का आता है, इसके साथ एक रिफिल आती है और इस तरीके से आप इसको यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं। वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, काफ़ी टाइम तक यूज़ हो सकता है। ये काफी अच्छी फील दे रहा है फ्रेंड्स, और हाइलाइट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा, स्ट्रांग है, काफी फ्लमजी नहीं है जैसा कि मैप्ड है। मैप्ड इरेजर जैसा फ्लमजी हो रहा था वैसा फ्लमजी नहीं है। और फ्रेंड्स ये है स्टेडलर और इसका भी फील देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये उतना सॉफ्ट नहीं है लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, उतना सॉफ्ट नहीं है लेकिन ये। और फ्रेंड्स ये है स्ट्रैडलर, इसको तो मैं डैप करके ही टेस्ट करूंगा क्योंकि एक्चुअली इसका डैप में ही यूज आता है, तो इसका डैप करके ही टेस्ट करता हूँ। मैं ऐसे ही यूज करता हूँ हाइलाइट्स के लिए इसे। तो फ्रेंड्स इसका इरेजिंग में कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, मेन जो चीज़ है इसका नीडेबल है, आप इसको पिन पॉइंट करके भी आप ऐसे इरेज कर सकते हैं कहीं पे, मतलब हाइलाइट्स दे सकते हैं, स्पेशली स्किन में काम आता है। प्रिज्मा कलर में तो इसने बिल्कुल भी मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, मतलब जहाँ तक मुझे उम्मीद थी ऐसा कुछ होगा कि मतलब मुझे लगा था थोड़ा बहुत तो हटेगा वो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हटा। और फ्रेंड्स ये है मारीज के नीडेबल इरेजर जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये फ्रेंड्स काफ़ी ईजिली मोल्ड हो जाते हैं और मैंने काफ़ी टाइम से इसे यूज़ किया है, तो मेरा काफ़ी ट्रस्ट है इस पर। बाकी इरेजर्स भी यूज़ करके देखते हैं कि कौन सी बेहतर निकलती है, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। डैब टेस्ट तो मैंने कर लिया है, अब मैं इसको इरेज करके कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मारीज का जो है ये सेट में आता है आपको, और स्टेडलर का मैंने सिंगल प्राइस लिखा हुआ है, मारीज का आपको सेट मिल जाएगा और काफ़ी टाइम तक चलता है फ्रेंड्स, बहुत ही दिनों बाद ख़त्म होने के चांसेस हैं, मतलब काफ़ी टाइम लगता है ख़त्म होने में। और फाइबर कैसल अभी टेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये है फाइबर कैसल के नीडेबल इरेजर, मैंने कभी यूज़ नहीं किया फ्रेंड्स, आज यूज़ करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये उतना सॉफ्ट नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, उतना सॉफ्ट नहीं है लेकिन ये डैप करने पे तो काफ़ी अच्छे से ये निकाल दे रहा है यहाँ से। लेकिन सबसे महंगा है फ्रेंड्स फाइबर कैसल, बहुत ही महंगा है। मैंने वहाँ पे अमेजोन पे भी लिंक देखा है और काफ़ी महंगा है, मैंने तो लोकल शॉप से ख़रीदा था इसे, तो मुझे सस्ते में मिला लेकिन काफ़ी महंगा है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और मुझे लगता है सबसे बेकार परफॉर्म करने वाला यही है फ्रेंड्स। ये है स्टेडलर का मार्स रेजर और इसके पीछे ऐसे डस्टर सा दिया हुआ है जो कि क्लीन करने के काम आ जाएगा। और ये है सुडोकू की इरेजर, एक साइड इरेजर है और एक साइड पेंसिल है। और फ्रेंड्स ये है मोनो जीरो
टॉम्बो इरेजर। तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी कॉमन है, सब लोग मतलब जानते हैं इसे, और ये दोनों फ्रेंड्स हम देखते हैं कैसी क्वालिटी रहती है इनके। तो इसमें फ्रेंड्स पूरा इरेज नहीं करेंगे, हाइलाइट्स के लिए यूज होता है ये, तो हाइलाइट्स ही टेस्ट करेंगे। कलर पेंसिल पे आप हल्का फुल्का इरेज कर सकते हैं, और चारकोल भी काफ़ी अच्छे से इरेज कर सकते हैं टॉम्बो से। और टॉम्बो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, और मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये काफ़ी अजीब सा फील आ रहा है मुझे, ऐसे सैंड सैंड घिसने जैसी फीलिंग आ रही है, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका फील बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसने पेन को भी इरेज कर दिया है और इसको भी इरेज कर दिया है, और मुझे लगता है ये इरेज तो सब कुछ कर देगा लेकिन हाइलाइट्स उतनी अच्छी नहीं दे पाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके से स्मच कर दे रहा है, तो ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। और लास्ट में फ्रेंड्स ये जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ कोहिनूर, इसको आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही अच्छे से इरेज करता है, काफ़ी काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छी हाइलाइट्स आप दे सकते हो, स्पेशली आप मतलब आईज में और हेयर्स में काफ़ी अच्छे से हाइलाइट्स दे सकते हैं। प्रिज्मा कलर में इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इन चारकोल काफ़ी अच्छे से इरेज हो जा रहा है। और फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट राउंड में, जो है इलेक्ट्रिक इरेजर। तो इलेक्ट्रिक इरेजर में हमारे पास दो ऑप्शन है फ्रेंड्स, एक डर्वेंट और एक मॉन्टमार्टे, और भी बाकी अमेजोन पे मिलते हैं बट मैंने उन्हें कवर नहीं किया, मुझे जो रेटिंग मुझे दिखी सबसे बेस्ट इन दोनों की है, तो इसलिए मैंने इन्हीं दोनों को किया, जिसमें से मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये है डर्वेंट, डर्वेंट इलेक्ट्रिक इरेजर, बैटरीज की यहाँ से डलती है और यहाँ से आप इसका इरेजर चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और कई बार ये गिर भी चुका है, लेकिन काफ़ी मजबूत है, इसकी फील काफ़ी मजबूत आती है, और इसमें भी हाइलाइट्स में यूज़ होता है। और फ्रेंड्स कहीं कहीं ज्वेलरी बनाने में जो हाइलाइट्स लगती है, या आईज़ में अगर आपको पिन पॉइंट हाईलाइट देना होता है, तो प्रिसाइज हाईलाइट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड्स। क्या आप देख सकते हैं कितने सफाई से इरेज कर रहा है। और फ्रेंड ऐसे मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसकी मोटर थोड़ी सी वीक होगी डर्वेंट से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसकी मोटर भी काफ़ी अच्छी है, और इसमें वॉबल नहीं है, उतना वॉबल नहीं है जितना डर्वेंट में है, तो इस चीज़ में तो ये क्लियर विनर है, मजबूती भी अच्छी लग रही है मुझे। अब आगे देखते हैं, रेजिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी, लेकिन फ्रेंड्स डर्वेंट में काफ़ी ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इसके वॉबल होने की वजह से ही ये डॉट 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 लाइन आ रही है, और इसमें देखिए स्मूथ लाइंस जा रही है। तो अभी हम ये भी इरेज करके देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे से इरेज कर रहा है फ्रेंड्स, और मोटर भी इसका काफ़ी पावरफुल है, बहुत ही क्लीन इरेज कर रहा है फ्रेंड्स। तो इस प्राइस पॉइंट में दोनों ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स ब्लॉक इरेजर्स में मुझे जहां तक लगा सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे अच्छा परफॉर्म प्लास्टिक इरेजर ने किया है वॉल ग्रेट वॉल, और सेकंड अगर मैं ऑप्शन रखूँ तो अप्सरा मैट मैजिक जो है इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। मैकेनिकल में क्लियर विनर है फ्रेंड्स स्टेडलर। नीडेबल में भी क्लियर विनर स्टेडलर ही है फ्रेंड्स। और अगर पेंसिल्स में बात किया जाए जो हाइलाइट्स के लिए यूज़ होता है, तो फ्रेंड्स मोनो जीरो काफ़ी अच्छा है, और इसमें शार्प करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो आप पेंसिल भी ले सकते हैं हार्डमुड, ये सुडोकू का पेंसिल इरेजर जो आता है। मैंने सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है फ्रेंड्स, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा ये।
और फ्रेंड्स लास्ट में जो है डरवेंट और मॉन्ट मार्टे, तो ये दोनों ही क्लियर विनर है। ज्यादा यूज करते हैं तो आप डरवेंट यूज करिए, क्योंकि इसको मैंने काफी टाइम से यूज किया है फ्रेंड्स, और मॉन्ट मार्टे भी काफी अच्छा है, लेकिन जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था तो मुझे प्रिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, और इसमें थोड़ा सा वॉबली प्रॉब्लम है। लेकिन अगर क्लियर विनर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मॉन्ट मार्टे होगा। अगर आप फर्स्ट बाय कर रहे हैं तो मॉन्ट मार्टे अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इसके साथ 30 इरेजर्स का पैक मिलता है, जो कि आपको 30 इरेजर्स का पैक मिलता है, और डरवेंट में सिर्फ 8 इरेजर का ही पैक मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका कौन सा फेवरेट इरेजर रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।